दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेटिंग करा रही है बिहार पुलिस एसआई के द्वारा। बिहार पुलिस एसआई के द्वारा जो फॉर्म भरा गया था उसका एग्ज़ाम तिथि और एडमिट कार्ड की तिथि जारी कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर बिहार सरकार विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश से संबंधित सूचना जारी कर दी गई है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक नोटिस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना, यहाँ पर देख सकते हैं इसका वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें नोटिस लिखा है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर चयन हेतु प्रारंभिक लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश संबंधित सूचना, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ से लिखा है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा बिहार पुलिस अवर निरीक्षक पद की 1275 की रिक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्यातना के क्रम में अभ्यर्थियों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिनांक 17/12/23 रविवार को दो पाली में नियमांकित कर्मानुसार आयोजित की जाएगी। आपका दो पाली में एग्जाम होगा, यहाँ 17/12/23 से आपका एग्जाम दो पाली में होगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 17/12/23 रवि दिन रविवार को दो पाली में आपका एग्जाम होगा। इसका रूटिंग आप देख सकते हैं नीचे आपको मिल जाएगा कि कब कब आपको एग्जाम सेंटर पर देख सकते हैं। इसका रूटिंग है यहाँ पर देख सकते हैं, ये 17/12/23 दिन रविवार प्रथम पाली, यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पाली में आपको 10 बजे से 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा। एग्जाम टाइम है 10 बजे से 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा और आपको उपस्थित हो जाना है अपना सेंटर पर 8:30 तक। आपका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 तक अपना सेंटर पर उपस्थित हो जाना है। और द्वितीय पाली यहाँ पर देख सकते हैं 17/12/23 दिन रविवार, यहाँ पर देख सकते हैं। और द्वितीय पाली यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आपको 2:30 से 4:30 तक आपका एग्ज़ाम होगा। 16:30 से 4:30 तक आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे से, आपको 1 बजे से आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर पर उपस्थित हो जाना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसे आप ध्यान रखें। आप यहाँ से आप नीचे दूसरा में देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं ई प्रवेश पत्र प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों को ई प्रवेश एक एडमिट कार्ड आयोग के वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर आपको ये इस वेबसाइट पर आपका जो एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। पर जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो हम इसका वीडियो बना देंगे। इस वीडियो को आप देखकर आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा पर दिनांक 1/12/23 से उपलब्ध रहेंगे उम्मीदवार। अपना ये 1/12/23 से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीदवार को अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकते हैं। स्पष्ट किया गया है कि डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, डाक द्वारा आपका जो है प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ये आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश के साथ अपना एक वैध फोटो और पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है तो या उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर अपने साथ आवेदन पत्र के समरूप दो 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 फोटोग्राफ 2 माह के भीतर खींचा हुआ भी लाएंगे। ये नोटिस जारी किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। पिछला लिखा है जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट के ई प्रवेश डाउनलोड नहीं कर सके हैं वे दिनांक 14/12/23 को पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या 17:05 बजे तक बिहार पुलिस के अवर सेवा आयोग के पाँच हार्डिंग रोड पटना इतना स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने
आवेदन पत्र की प्राप्ति छाया प्रति एवं एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ आयोग के उपयुक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना खर्च पर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और चाहते हैं कि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।